देश निर्माण में, समाज निर्माण में वो अपना योगदान दे सके। तो मैं अपने आप को खुश किस्मत समझता हूं कि मुझे अच्छे माता पिता मिले, और सब जो आप बड़े हैं, पिता समान हैं, जो माताएं हैं माता समान हैं, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सही राह पर लगाया, अच्छे संस्कार दिए, और आज मैं आपके सामने समाज सेवा भी कर पा रहा हूं और देश सेवा भी की है, जिसके लिए भारत सरकार ने मेरी उत्कृष्ट सेवाओं को समय समय पर प्रोत्साहित किया है, सम्मानित किया है, अवार्ड दिए हैं। आपको पता है मेरे कई यहाँ पे क्लास फेलो बैठे हुए हैं, बड़े भी हैं। इसी स्कूल से, ये गुड़ाजगीर का प्राइमरी स्कूल होता था, अभी मिडिल स्कूल है, उसकी भी बात आई, जहां से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर कुछ देर यहाँ पढ़ने के बाद सोहल जो उस समय हाई स्कूल था, वहां से मैट्रिक की है, हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर से 12वीं करके, साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की, जिसको आप बीएससी कहते हैं, या उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जाके एमएससी वॉटनी की। आपसे कोई भी चीज भूली नहीं है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एमएससी वॉटनी करने के बाद मैं शिक्षा विभाग में लेक्चरर रहा, बॉटनी का लेक्चरर प्रग्वाल में नौकरी की, मैंने आपको पता है यहाँ पे रहते हुए। उसके बाद क्योंकि पिताजी फौज में थे, तो हमारे बहुत सारे यहाँ पे गांव के फौज में हैं, यहाँ बहुत सारे रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो कहते हैं कि किसी भी बच्चे का जो प्रेरणा स्रोत पहला होता है वो माता पिता होते हैं, बाप होते हैं। तो फर्स्ट हीरो जो बच्चे का होता है वो उसका बाप ही होता है, उससे देख के वो आगे सीखते हैं, वो उससे प्रेरणा मिलती है। तो पिताजी फौज में थे, तो हम भी फौजी बनना चाहते थे, वर्दी पहनना चाहते थे। तो उसी सिलसिले को आगे चलते हुए जब कॉलेज में गया, आपको पता है मैंने एनसीसी की है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट किया वहां से, तो एजुकेशन में तो मैं आ गया, लेक्चरर था, लेकिन ध्यान जो था वो वर्दी की तरफ था। तो उसी के वहां पे मैंने कुछ सर्विस भी की। फिर ये स्टेट का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जिसको हम जेकेपीएस कहते हैं आजकल, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, उसको क्वालिफाई करते 1999 में मैं एज डीएसपी डीएसपी के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हुआ, जहां पे अपनी सेवाएं देना शुरू की। अभी सरपंच साहब श्री वीरेंद्र कुमार बब्बी जी, नायब सरपंच मैडम वंदना देवी जी, बाकी पंचायत कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, पंच साहबान हैं, जहाँ पे पंच सुनीता देवी जी विराजमान हैं, बाकी पंचायत के मेंबरान हैं, इस पंचायत के हमारे सभी बुजुर्ग, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपको सबको पता कि मैं सबको जानता हूँ। फिर मेरे हम उम्र जो हैं, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ माताएं बैठी हुई हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्गों को मेरी तरफ से प्रणाम, उनके श्री चरणों में प्रणाम, उनका चरण वंदना, अपने साथियों को नमस्कार, माताओं को भी चरण वंदना।
जहां पे सरपंच सब कह रहे थे या बाकी भी जो वक्ता बोले हैं जिन्होंने विचार रखा है, कईयों के मुंह से एक शब्द सुनने को मिला है कि आज के मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट। ये आपको पता है कि चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि जब हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो होते हैं, मैं तो अपने घर में हूं, तो इसलिए मैं आप में से एक हूं। रही बात आज के फंक्शन की, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिस हिसाब से, जिनके शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों का धन्यवाद कर सकूं या आपका शुक्रिया कर सकूं। आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है। किसी बच्चे को उसको पढ़ाना, उसको किसी मुकाम पे पहुंचाना, एक जिम्मेवार शहरी बनाना, वो ना सिर्फ उसके माँ बाप का फर्ज होता है, जिम्मेवारी होती है, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे गांव का, पूरे समाज का वो फर्ज होता है कि उसको सही राह दिखाई जाए, सही डायरेक्शन दी जाए, ताकि वो एक जिम्मेवार शहरी बन सके, देश निर्माण में, समाज निर्माण में वो अपना योगदान दे सके। तो मैं अपने आप को खुश किस्मत समझता हूं कि मुझे अच्छे माता पिता मिले, और सब जो आप बड़े हैं, पिता समान हैं, जो माताएं हैं माता समान हैं, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सही राह पर लगाया, अच्छे संस्कार दिए, और आज मैं आपके सामने समाज सेवा भी कर पा रहा हूं और देश सेवा भी की है, जिसके लिए भारत सरकार ने मेरी उत्कृष्ट सेवाओं को समय समय पर प्रोत्साहित किया है, सम्मानित किया है। ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੰਨਾ ਗਾ ਅਟੈਚ ਟੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ ਸਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿ क्योंकि सारे ग्रां दे एक निशान ने आन शान सारी ग्रां दी कि अस भी इन्हें अपने ग्रां विच बुलाइया ते इन्हें सम्मानित करचै ते अस इन्हें कोल टाइम मंगिया ने उन्हें आखिया कोई गल मैं आई जा अस वेलकम करने दा अपनी पंचायत दे विच और मुबारकबाद दिने कि जिहड़ा सारे ग्रां दा नां रोशन होआ दा अस भगवान अगे प्रार्थना करने कि यह दिन ब दिन जरा अगे बधे ते ताकि सारे ग्रां दा नां जरा होर ज्यादा रोशन होवे। मैं सारे ग्रां दे आए दे लोकां नूं भी मुबारकां पेश करना और खास कर जरा साहब दी एस एस पी साहब दी भी जिन्होंने सारे वास्ते अपना कीमती समय कढ़िया इत्थे सारे च आए ने और अस अज दा जरा प्रोग्राम है उस शुरू करदे होई कि अगर कोई बोलना चाहता इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहां बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया, जो उनका हमेशा आशीर्वाद मुझ पे रहा है। उसके बाद इस गांव के सरपंच श्री वीरेंद्र कुमार बब्बी जी, नायब सरपंच श्रीमती वंदना देवी जी हैं, बाकी जो पंचायत के मेंबर हैं, पंचायत के मौजिस लोग हैं, पंचायत की माताएं बहने नौजवान बच्चे सब जहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने बुला के यहाँ पे मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए एक बार फिर मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि युवा जो है वो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, अपने परिवार का, अपने गाँव का भविष्य है। उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहना है, बहुत ही जिम्मेवार रहना है। उनका जो काम है वो उन्होंने ईमानदारी से और अनुशासन से करना है। अब युवा का जो मेन काम शुरू होता है वो होता है एजुकेशन हासिल करना। तो मैं चाहता हूं कि खास करके यहाँ आज गुड़ाजगीर में हम ये बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो इस गांव के सभी देश के सभी प्रदेश के युवाओं को मेरा ये है कि वो अपना जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करें, अच्छी शिक्षा हासिल करें, हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें
और जो सुनने में आता है, देखने में जो आ रहा है कि युवा पीढ़ी में कुछ लोग जो हैं वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें लिप्त हो रहे हैं, जैसे नशे की बात है तो नशे से दूर रहें। नशा एक ऐसी चीज है जो ड्रग्स हैं, दिस इज लाइक अ डार्क टनल, इसमें एंट्री तो है, ऐसी गुफा है कि जिसमें एंट्री तो है, दाखिल तो आप हो सकते हो लेकिन उससे जो एग्जिट है बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो युवाओं को किसी भी कारण पीयर प्रेशर हो सकता है, दोस्त कह सकते हैं चखो कैसा इसका टेस्ट है उसकी वजह से हो सकता है, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के कैसा लगता है उसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल उसको टच ना करें, उसको बिल्कुल चखे ना, उससे दूर रहें और अपने आप को इन चीजों से ऊपर रखते हुए मेहनत करें, वर्क हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। मैं पेरेंट्स से भी ये बात कहूंगा, जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं, हम जो थोड़े बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, उनको भी कहूंगा कि उनको ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि अगर किसी कारणवश बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि कोई बच्चा इसमें विलुप्त भी हो जाता है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको समाज से बहिष्कृत ना करें। वरिंद्र कुमार, सरपंच हलका पंचायत गुला जगीर, ब्लॉक पलौर ब्राह्मणा। सराज का जो हमारा प्रोग्राम था, एसएसपी साहब को हमने सम्मानित किया है, जो कि होम मिनिस्ट्री अवार्ड से जो उन्हें नवाजा गया था, उस लिहाज से हमने गांव वासियों ने एक फैसला किया था कि हम एसएसपी साहब को नवाजेंगे। तो एसएसपी साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से काम किया है। हम गांव वाले जो भी हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम होती है हम एसएसपी साहब को फोन करते हैं तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि गाँव की आन शान है ये। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं एसएसपी साहब का, उन्होंने जहाँ कर हमारा भी हौसला बढ़ाया है गांव वासियों का, थैंक यू। सर, मैं नायब सरपंच पंचायत गुड़ा जगी। सर, आज हमने जो चीफ गेस्ट को सम्मानित किया है, सर एसएसपी मोहन सर, इन्होंने हमारे समाज को, सोसाइटी को, पंचायत को जो इंस्पिरेशन दी है, हमारी जंग एज को जो उन्होंने एक मैसेज दिया है नशा मुक्ति का, पेरेंट्स को जो मोटिवेट किया है कि इस तरह से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, ऐसे अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, तो हम इनका शुक्रिया करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पंचायत में आए हैं, तो उन्होंने मैसेज, एक इंस्पिरेशन मैसेज दिया हमारे सोसाइटी और पंचायत को। थैंक्स।